में विधानसभा प्रत्याशी रहे मनोज चौहान और पारस पंच में चौहान ने अपनी बाजी मार ली। मंच पर कतार में अंतिम पायदान पर बैठे पारस पंच और सीएम के पास बैठे मनोज चौहान दावेदारों की दौड़ में अग्रणी रहे, लेकिन गहलोत की सभा के कारण इसका पूरा श्रेय मनोज चौहान ले गए। हालांकि दोनों गुटों में समानता की तस्वीर दिखाने के लिए मसूदा विधायक राकेश पारिक को मंच पर उनका उद्बोधन करवाकर तवज्जो दी गई, लेकिन ब्यावर विधानसभा की गुटबाजी तस्वीर साफ नहीं हो सकी। पारस पंच शुरू से लेकर अंत तक मौन नजर आए तो मंच के नीचे मौजूद कई कांग्रेसी नेता सीएम से मिल नहीं पाए। यहां तक कि मंच पर ब्लॉक अध्यक्ष को नहीं बैठाने की बयानबाजी भी जोर पकड़ती नजर आई। इतना ही नहीं, प्रशासन भी हेलीपैड पर सीएम से मिलने वालों की सूची का सत्यापन मनोज चौहान से करवाता हुआ नजर आया। यह बात अलग है कि सीएम ने अपने वाहन में बैठे बैठे ही कई कांग्रेसी नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मंच पर केवल मनोज चौहान का आभार भाषण भी शासन का एहसास करवाने लगा। पारस पंच द्वारा कुछ महीनों से उम्मीद के मुताबिक सक्रियता देखी नहीं गई, शायद यही कारण भी मनोज चौहान के लिए चुनावी रामबाण बनकर आया। जिले का श्रेय लेने की होड़ में मनोज चौहान भले ही हावी रहे हों, लेकिन सीएम के साथ कांग्रेसियों की मिलीली ना होने पर बेरुखी किस करवट बैठेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी भी संभावित कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव से पहले पूरी तस्वीर बदलने का दावा भी करते हैं।